हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है लूका 2:22 में, जब यीशु की माता मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हो गए तो वो बालक यीशु को चर्च घर में यानी कि मंदिर में लेके आए। और प्रभु की व्यवस्था में भी लिखा हुआ है कि हर एक पलेठा पहलोठा यानी कि पहला बच्चा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेगा, ये व्यवस्था में लिखा हुआ है। यूसुफ और मरियम जब प्रभु यीशु जमा था, लगभग 8 दिन का हुआ था, तो उसको प्रभु के चर्च में, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में लेकर आए। और आज से 2000 साल पहले की बात है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शुरू से ये विधि चली आ रही है, आज आपा कोई नई नहीं कर रहे। और इस समय जो छोटा बच्चा है इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये प्रभु के सामने कोई वादा नहीं कर सकता, इस बच्चे को प्रभु के बारे में कोई नहीं पता है। लेकिन याद रखना, इसकी माता को और इसके पिता को सारा पता है प्रभु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। तो एक अर्पण होता है अपने आप को पेश कर देना, परमेश्वर ने बच्चा दिया ये, तो बच्चा ना समझ है लेकिन माता पिता समझ वाले हैं। और इस बच्चे को ये प्रभु के पास लेकर आए हैं। और प्रभु की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि हर एक पहलोठा, पहला बच्चा इनका, ये पहला बच्चा पवित्र माना जाएगा, पहलोठा माना जाएगा। तो मैं इन दोनों पति पत्नी को और समेत जो आप संगत भी हो, मैं प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूं। ये प्रभु का वचन इनके लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। व्यवस्था विवरण 11:28-20 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम मेरे इन वचनों को अपने दिल में और अपने प्राण में धारण करना, और तुम ये वचन अपने अपने बच्चों को सिखाना, अपने घरों में बैठे हुए, रास्ते पे चलते हुए, लेटते उठते हुए इन बातों की चर्चा किया करना। तुम इन वचनों को अपने घरों के दरवाजे के सामने, चौखटों पर और गेटों पर लिखना मेरे वचनों को। तू अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना, अपनी जिम्मेवारी और उसकी विधियां और उसके नियमों और उसकी आज्ञाओं का सदा पालन करना। कोई घृणित वस्तु जैसे कि शराब, नंगी फिल्में, गलत संबंध तेरे, नजायज संबंध और बेईमानी से धन इकट्ठा किया हुआ जायदाद, इसको तू अपने घर ना ले आना। मैं आपसे प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां में हाजिर हूंगा। आज प्रभु हमारे बीच में है पवित्र आत्मा के रूप में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने इस बच्चे को अच्छा मसीह माहौल परिवार में दोगे क्या? हाँ। और दूसरा सवाल है, आप अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चे में यीशु मसीह के गुणों को बढ़ाओगे ना? तीसरा सवाल है, आप अपने बच्चों को शुरू से ही परमेश्वर के वचन का पालन और आज्ञा और प्रार्थना में बढ़ाओगे? आप आने वाले समय में अपने बच्चों को नियमित रूप में संडे प्रार्थना मीटिंग में चर्च में भेजोगे? आप अपने बच्चे को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, और आप अपने बच्चों को अपने खुद का उदाहरण देकर हर प्रकार की बुराइयों से बचाकर रखोगे?
आप अपने बच्चों को ये हौसला दोगे कि आने वाले समय में वो कलीसिया का एक मेन सदस्य बन सके। हालेलुया। हालेलुया। इस बच्चे का नाम इन्होंने जसमीत कौर रखा है। अब के बाद ये बच्चा जसमीत कौर के नाम से जाना जाएगा। रहमता दी छा यीशु तो मेरी उम्मीदा वाली था यीशु तो मेरे उत्ते रहमता दी छा यीशु तो मेरी उम्मीदा वाली था यीशु तो लंगे कभी ना दिन मेरा यीशु तेरे बिन यीशु तेरे बिन मेरे उत्ते रहमता दी छा यीशु तो दीवा तेरी आत्मा दा मेरे विच जगदा नूरे जलाली तेरा बड़ा चंगा लगदा बड़ा चंगा लगदा बड़ा चंगा लगदा माफ कीते मेरे जो गुनाह यीशु तू